हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी बिना सॉइल के, बिना फर्टिलाइज़र के कैसे ग्रो करें। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और एक पॉट या फिर टब, बकेट, कुछ भी। जी हाँ, मैं जलपरी की बात कर रही हूँ। उसको वाटर लेटिक्स भी बोलते हैं और वाटर कैबिज भी बोलते हैं। इसकी दो वैरायटी होती हैं, एक बड़ी वैरायटी होती है, एक छोटी। ये मेरे पास छोटी वैरायटी है। इसकी जो लीफ होती हैं, इन पर देखो बारीक बारीक सा रोया होता है। ये बहुत ही हल्की फुल्की सी रहती हैं। इनकी लीफ लाइट वेट होती हैं, इसीलिए पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। और इनमें जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं वो उनकी रूट्स की साइड से निकलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। ये मैं जलपरी एक ही लेकर आई थी और देखो आज मेरे पास तीन हो गई हैं। एक बड़ी है, एक थोड़ी छोटी है और अभी देखो एक बेबी प्लांट है। अब बात करते हैं जलपरी की केयर की। तो अब जैसे सर्दी चल रही है तो हमें इसे सर्दी और पाले से बचाकर रखना है, जैसे कि ग्रीन नेट के नीचे या फिर पेड़ पौधों के नीचे या फिर उस जगह जहाँ पर सीधी धूप भी लगे और पाले से बची रहें। जैसे कि आप छज्जे के नीचे भी रख सकते हैं। अगर छज्जा नहीं है या कहीं नेट नहीं लगी हुई है तो आप इसे रात के टाइम अंदर भी रख सकते हैं और सुबह के टाइम बाहर भी रख सकते हैं। इसको बस जलपरी को 2-3 घंटे की धूप लगनी चाहिए। जैसे अभी ये तेज़ सर्दी का मौसम है तो आपका जो कंटेनर है या बकेट है, टब है, कुछ भी है, तो उसमें कम पानी होता है, तो सर्दी में कम पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हमारी जो जलपरी की बेल है वो ख़राब हो सकती है। अगर हमारी टब या कंटेनर, बकेट, जो भी है, उसमें पानी ज़्यादा होगा तो वो सर्दी की वजह से ठंडा भी नहीं होगा और हमारी जलपरी की बेल ख़राब भी नहीं होगी और हमारी जलपरी अच्छे से फैलेगी। देखो, अगर हम अपनी जलपरी को पानी से बाहर निकालते हैं तो उनकी रूट्स ऐसे लगती हैं कि बहुत छोटी सी हैं और जब हम उन्हें पानी में छोड़ देते हैं तो वो फैल कर इतनी सारी हो जाती हैं कि पता नहीं कितनी सारी हैं। बड़े टब के फायदे। जब हम जलपरी की बेल को बड़े टब में लगाएंगे तो इस बेल से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं और वो अच्छे से ग्रो होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से स्पेस मिलता है। जो बड़ी जलपरी होती हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और काफ़ी फैल कर चलती हैं। उनकी लीफ भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, फिर उनमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर उनमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। इसी तरह से हमारा टब बहुत भर जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। जलपरी के जो छोटे बेबी प्लांट होते हैं आप उन्हें निकाल कर अपने किसी अलग बाउल में भी रख सकते हैं। जो भी पानी आप यूज करते हैं उस बाउल में वही पानी रखें और बेबी प्लांट को छोड़ दें, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। कोई केयर भी कोई अलग से ज़रूरी नहीं है। ऐसे जलपरी जो अच्छे से ग्रो करती है वो फरवरी मार्च में करती है और बरसात में तो करती ही है। जलपरी में ज़्यादा से ज़्यादा बेबी प्लांट बरसात में ही बनते हैं। बस विंटर के लिए इतना ही कि आपको पाले से बचाना है, इसके पानी को ठंडा नहीं होने देना है और इसमें जितनी भी हो सके आपको धूप लगानी है और सर्दी से तो बचाव करना ही है। जलपरी के ख़राब होने के लक्षण, जब ये जलपरी की जो लीफ होती है वो येलो होने लगती है और फिर धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। काली होने के बाद ये ख़राब हो जाती है, गल जाती है। तभी तो कहते हैं जो इनकी साइड में बेबी प्लांट्स निकलते हैं आप उनको अलग करते रहें। फिर हमारी जलपरी अगर ख़राब भी होगी तो सारी नहीं होगी, एक दो ही बेल होगी। ये जलपरी दोबारा ग्रो नहीं होती है, तो इसलिए अपनी जलपरी का ख्याल रखें, उसे पाले से बचाएं, अच्छे से केयर करें। बस जलपरी के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।